नमस्कार आदा सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी लोगों में चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रूमी चामा के बारे में। इन पौधों का नेटिव प्लेस है साउथ ईस्ट ब्राज़ील के कोस्टल एरियाज़ में। इस प्रकार के पौधों को बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाला एक बेहतरीन अनोखा अद्भुत फल है, जो अपने साइज, शेप, टेक्सचर और टेस्ट के चलते किसी के भी मन को मंत्रमुग्ध कर देता है और अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, आकर्षण का केंद्र भी बना लेता है, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है दोस्तों। सबसे पहले इन पौधों को इंट्रोड्यूस किया गया था जमैका, सिंगापुर, फिलीपींस और इजराइल के द्वारा, लेकिन यह सक्सेसफुल नहीं था। उसके बाद 1791 में सबसे पहला हुवायू ने इस प्रकार के पौधों को इंट्रोड्यूस किया था, जो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल था। आज यह ऑस्ट्रेलिया और फ्लोरिडा में भी इस प्रकार के पौधों को बहुत ही आसानी से देखे जा सकते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया और फ्लोरिडा में कई प्रकार के इलाकों में इस प्रकार के पौधों को देखा जा सकता है, और यह अधिकतर वहाँ पर रहने वाले इंसानों के बैकयार्ड्स में इस प्रकार के पौधों को बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में इन पौधों को ऑस्ट्रेलियन चेरी के नाम से जाना जाता है, फ्लोरिडा में इसे फ्लोरिडा चेरी के नाम से भी जाना जाता है। सो डोंट नीड टू गेट कन्फ्यूज्ड रिगार्डिंग नेम्स। इन्हें ब्राज़ीलियन चेरी के नाम से यह विश्वविख्यात है दोस्तों। इन पौधों का आकार काफ़ी ज़्यादा विस्तृत और काफ़ी ज़्यादा फैलाव रखते हैं। इस कारणवश इसके जो कैनोपी है काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ता है, और यह काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉर्म में डेवलप होता है, या बुशी फॉर्म में, या अम्ब्रेला शेप में यह डेवलप होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आकर्षक और मनोहर दृश्य पेश करता है अपने जीवन काल में। इन पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं वो पहले ग्रीन फॉर्म में देखने को मिलता है, और काफ़ी ज़्यादा वेलवेटी टाइप की पत्तियाँ होती हैं। ये मीडियम साइज़ में पाई जाती हैं और त्रिकोण आकार में बड़े होते हैं। जब इनमें जब फ्रूट जब लग जाता है तो ये पहले फ्रूट ग्रीन कलर में देखने को मिलता है, और इन फलों का जो आकार होता है वो राउंड शेप में देखने को मिलता है, और इसके एक सिरे में अनार के भांति इसका शेप भी देखने को मिलता है। दूर से देखने पे ऐसा प्रतीत होता है पौधों पे जैसे लॉलीपॉप टंगे हों। काफ़ी ज़्यादा आकर्षक और मनोहर लुक पेश करते हैं, जो के मन को भी मंत्रमुग्ध कर देता है और अपने अट्रैक्ट करता है, बार बार खाने के लिए भी आतुर करता है। इसके अंदर का जो गूदा होता है वो वाइटिश रंग में या येलोइश रंग में देखने को मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ, सिल्की और ग्लॉसी लुक भी देता है, और इसके अंदर एक सिंगल सीड ही पाया जाता है। इन पौधों में फ्लावरिंग का जो टाइमिंग है वो अप्रैल के महीने में देखने को मिलता है, और इन फ्लावर्स का जो रंग होता है वो वाइट रंग में देखने को मिलता है, और ठीक 30 दिन के पश्चात ही इनमें फ्रूटिंग लग जाता है, यानी कि मई के महीने में आसानी से फ्रूटिंग देखने को मिल जाता है इन पौधों पे। जो भी लोग शहरों में रहते हैं, जिनके पास जगहों की कमी होती है, जो फ्लैट्स में रहते हैं, वह भी इस प्रकार के पौधों के रोपने आप अपने पॉट्स में, ड्रम्स में, ग्रो बैग्स में, बैरल्स में, टेरेस में, खेतों में, खेतों के मेड़ों पर, आउटडोर प्लांट्स के तहत या गार्डन में एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट के तहत भी आप इस प्रकार के पौधों की रोपने आराम से कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनोखा दृश्य पेश करता है। अगर आपके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग रहते हैं जिन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सोटिक फूड्स खाना पसंद होता है, तो आप इस प्रकार के वैरायटी के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। अगर आपके गार्डन्स में कुछ एक्सोटिक फूड्स अगर आप देख रहे हैं तो आप ग्रूमी चामा जैसी वैरायटी के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक एवं आई कैचिंग लुक भी देता है। हिंदुस्तान की सरजमीन पे ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक अदना तोहफा होने के नाते हिंदुस्तान के हर प्रकार की मिट्टी और क्लाइमेट में लगने की क्षमता रखता है। इसके लिए उपयुक्त टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए। अगर इसे थोड़ा कम भी होता है या इसे थोड़ा ज़्यादा भी होता है तो भी यह पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से पनप जाते हैं। जल भरावनी, जल रिसाव वाली मिट्टी होनी चाहिए। दलदले वाले क्षेत्रों में या जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती हो या जहाँ पे बहुत ज़्यादा पाले पड़ते हो, उस प्रकार के इलाकों में इस प्रकार की वैरायटी को लगाना असंभव सा प्रतीत होता है। अगर मिट्टी में एसिडी की मात्रा हो तो यह पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से पनपते हैं, डेवलप कर लेते हैं। अगर मिट्टी में अल्कलाइन की मात्रा हो तो यह पौधे पनप नहीं पाते हैं। तो आप इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखकर भी इस प्रकार के पौधों की रोपनी भी अपने गार्डन्स में सजावट के रूप में लगा सकते हैं। इन पौधों की रोपनी प्लेन वाले इलाकों में, सीढ़ीनुमा वाले क्षेत्रों में या पहाड़ी वाले क्षेत्रों में भी आसानी से रोपनी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से क्लाइमेट कंडीशंस को सूट कर लेता है, टैकल कर लेता है, और अपने आप को डेवलप करने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान भी देता है, जो कि आगे चल के फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी देता है, जो आपके मन को मंत्रमुग्ध भी करता है और अपने अट्रैक्ट भी करता है अपनी खूबसूरती से। तो आप इस प्रकार के अनोखे अद्भुत पौधों की रोपनी कीजिएगा और फल की प्राप्ति करके इसका अनुभव भी आप घर पर बैठे बैठे ले सकते हैं। इन फलों का जो स्किन होता है काफ़ी ज़्यादा थिन स्किन होता है, स्मूथ, सिल्की एवं ग्लॉसी लुक भी देता है। इन्हें अक्सर आप फ्रेश पीरियड पे खाने की कोशिश करें। जब यह
फ्रेशनेस ख़त्म हो जाता है तो इसके जो ऊपर का स्किन होता है वो सिकुड़ जाता है या श्रिंक हो जाता है दोस्तों। इन फलों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और विटामिन सी जैसे तत्व भी पाए जाते हैं और इसके स्किन में एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी पाया जाता है और इसके लीव से मेडिसिनल पर्पस के लिए भी लिया जाता है। ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस देखा जाए तो मनुष्य प्रजाति को काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होता है इस प्रकार के फलों से। इस प्रकार के फलों से कई प्रकार के डिशेस भी तैयार कर सकते हैं जैसे जैम, जेलीस, जूस, केक्स, पुडिंग्स, ऐसे डेजर्ट्स के तौर पर भी आप इसका इस्तेमाल में ले सकते हैं। पौधे कहाँ से ले तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, पौधे आप मुझसे भी कलेक्ट कर सकते हैं। आप एयर लेयरिंग, बडिंग या ग्राफ्टिंग वाले पौधे लीजिए जो 2 साल के अंतराल में इनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग देखे जा सकते हैं। अगर आप सीडलिंग वाले पौधे लेते हैं तो आपको लगभग 4 से 5 साल का टाइम देना होता है और इन पौधों की जो हाइट है वो तकरीबन 10 फीट तक की हाइट जाता है। हाउ टू ग्रो तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले ग्राउंड का चुनाव करें, एक हाथ का गड्ढा लीजिए, उसमें वर्मी कंपोस्ट, नीम खली पाउडर, बकरी की खाद, गोबर की खाद या बोन पाउडर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। पॉलीथीन बैग से उन पौधों को हटा के उसको सेंटर में रख के ढक दीजिए और उसके बाद हल्के हाथों से पानी से सिंचाई कीजिए। इन्हें किसी भी प्रकार के स्पेशल केयर की आवश्यकता नहीं होती है और जहाँ तक हो सके केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग ना करें तो बेहतर रहेगा। एक हफ्ते में 2 मरतबा या 3 मरतबा आपको अच्छा पानी देना होता है। गर्मियों के टाइम पे बहुत अच्छी तरीके से पानी देना होता है क्योंकि गर्मियों के टाइम पे ही इसमें फ्लावरिंग आता है और फ्लावरिंग के टाइम को अच्छा पानी देने से ये फ्लावर्स फॉल नहीं होते और यही फ्लावर्स बाद में कन्वर्ट होते हैं फ्रूट्स में। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रख के आप इस प्रकार के वैरायटी के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं और यह बहुत अच्छी तरीके से पनपते हैं, डेवलप होते हैं और आप इसका अनुभव भी ले सकते हैं। जहाँ पर भी सूरज की रोशनी आती हो वहाँ पर भी इस प्रकार के पौधों के रूप में आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपके एरियाज़ में कुछ शेडेड टाइप के एरियाज़ हो या पार्शियल टाइप के एरियाज़ में भी आप इस प्रकार के पौधों की रोपनी कर सकते हैं। इन्हें किसी प्रकार के रुकावट महसूस नहीं होता है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से मिट्टी में ग्रैब कर लेते हैं और अपने आप को डेवलप करने में अपनी अहम भूमिका भी निभाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दृश्य पेश करते हैं अपने जीवन काल में। आप इन्हें माइल्ड वर्जन ऑफ जबोटिकाबा का किताब भी दे सकते हैं। अगर आप एक प्लांट लवर हैं और इस प्रकार के अनोखे अद्भुत फलों का सेवन करना चाहते हैं या रोपनी करना चाहते हैं या अपने घर पे कुछ ट्रायल बेस पे कुछ पौधे मंगवाना चाहते हैं तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पे दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दिया दोस्तों। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुश रहें, आबाद रहें, यही दुआ करता हूँ दिल से। जय हिंद, जय भारत।